खुला है। आओ सब मिल पढ़ लिख जाए, निरक्षरता अभिशाप मिटाए, निरक्षरता अभिशाप मिटाए। जो जो पहले पढ़ नहीं पाया उसके लिए ये अवसर आया, साक्षरता में सबका भला है, साक्षरता में सबका भला है। फ्लाइट में कोई परेशानी तो नहीं? अरे सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान क्या, एक छोटा सा सूटकेस ही तो है। मगर वो है कहाँ? गाड़ी में। अरे कमाल करती हो बेटा तुम भी। चलो मैं जॉन को भेजता हूँ तुम्हारा सामान मंगवाते। नहीं नहीं पापा, मैं इसी गाड़ी से नारायणपुर जा रही हूँ। भाई बहुत उतावली हो रही हो नाना जी से मिलने के लिए, और हम जो इतने दिन से राह देख रहे हैं उनका क्या? पापा मुझे नाना जी से मिलने की उतावली नहीं है। तो फिर? पापा मैं तो नारायणपुर में अपना चलाया हुआ प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र देखने को व्याकुल हूँ। सच आप सोच नहीं सकते कि कितनी आतुर हूँ मैं उस पेड़ को, उसके फल फूल को देखने के लिए जिसका बीज मैं लगा कर आई थी। ऐसी बात है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर कुछ खा पी के जा। नहीं पापा बस चलूंगी। जैसी तेरी मर्जी। चले चल, चल। चल। पता नहीं नारायणपुर का क्या हाल है। ऐसा हो नहीं सकता कि इतने दिन से कमला भी कोई चिट्ठी ना भेजे और नाना जी भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें वो चिट्ठी मिली ही ना हो जिसमें मैंने अपना नया पता लिखा था। जरूर ऐसा ही हुआ है। काश नारायणपुर में सब कुछ ठीक ठाक हो। मुझे तो वो दिन कभी नहीं बिसरता जब मैं अपनी सहेली के साथ पहली बार नारायणपुर में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने पहुंची थी। अरे पूतल भैया कभी सुन रहा, खाए खाए कर तो हार तो लगवा पड़ गया। अरे तुम पैसा लेके सारे गांव भड़प ले और क्या चाहिए? अरे हम तो कहते हैं कि तो का कमीशन उनसे लेने का चाहिए। जी नमस्कार, हमें इसी गांव के प्रधान भूतल प्रसाद जी से मिलना है। हां हां तो मिलो ना, हम ही हैं भूतल प्रसाद। जी नमस्कार। नमस्कार। हम दोनों जन महिमा नाम की समाज कल्याण संस्था से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समाज कल्याण संस्था। ले ओ पंडित गौरी शंकर, और समाज सेविकाएं आई गईं। तुम लोग आपन समाज की तो कौनो सोचते नहीं हो, और इन बिचारियन का देखो, शहर से बिचारियन का ही आ भागे भागे आएगा परत है। अरे प्रधान जी, बात यू है कि जब शहर की लड़कियों की पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो जाते है ना, और शादी से पहले कुछ कराई का होत नहीं है, तो यू समाज कल्याण वल्याण के काम में खाली बखत बिता लेते हैं। काहे बहन जी? पंडित गौरी शंकर जी, पहली बात तो ये कि हम सहरा की लड़की नहीं है। आप पहचाने नहीं हमें? हम सुनीता है, हमारे नाना राम हरण इसी गाँव में रहते हैं। अरे 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 अरे। तुम इतनी बड़ी होगी बिटिया,
ले एहो खूब रही। अरे सुनीता बिटिया, तुमको पहले बताए का चाहिए ना कि तुम राम हरण की नातिन हो। अरे आओ बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, आप भी बैठो। अरे ओ ललतमोर रे, अरे थोड़ी छाछ ले आइयो। ये ठीक है, जब तक बिटिया लोग छाछ पी है तब तक हम बाजरे की रोटी बनवाई देंगे। नहीं नहीं प्रधान जी, रोटी तो हम नाना के घर ही खाएंगे। इस समय तो हम एक बहुत ही जरूरी काम के लिए आपकी मदद लेने आए हैं। हाँ हाँ, हमको मालूम है तुम्हारा जरूरी काम। अरे हमको समझाए कि कौनो जरूरत नहीं है बिटिया, हम तो खुद ही गांव वालों को समझाए रहे कि भैया परिवार जौन है छोटा रखे का चाही, मगर इन लोग को समझते ही नहीं है बिटिया। नहीं नहीं प्रधान जी, हम परिवार नियोजन की बात नहीं करने आए हैं। तो फिर हमारा उद्देश्य है गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। साक्षर का मतलब पढ़ना लिखना सिखाना? जी जी प्रधान जी। अरे उसके लिए स्कूल है ना गांव का, मास्टर प्रकाश पढ़ावत है वहाँ। मगर वहाँ तो सिर्फ छोटे बच्चे ही जाते होंगे ना पढ़ने। अरे तो और का बिटिया, स्कूल में बुड्ढे तोते पढ़ेगा जाइए। नहीं जाएंगे, हमें मालूम है, और इसीलिए हम अलग से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं, जहाँ पर 15 साल की उम्र से ऊपर वो सारे लोग जिन्हें बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अरे मगर बड़े बूढ़न का पढ़ाई के मिली है का बिटिया। मगर प्रधान जी, आपने अभी कहा कि आप गांव की औरतों को परिवार छोटा रखने की बात समझाते हैं, मगर किसी की समझ में ही नहीं आती ये बात, क्यों ऐसा ही है ना? हाँ है तो ऐसा नहीं। वो इसीलिए प्रधान जी कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो आपकी बात उनकी समझ में आ जाती। हाँ बात तो सही कह तो बिटिया रानी। तो फिर आप हमारी मदद कीजिए ना। हाँ हाँ बोलो बिटिया, क्या मदद चाहिए? बस आप इतना कीजिए कि गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, ताकि हम उन्हें अपने प्रौढ़ शिक्षा अभियान के बारे में बता सकें। हाँ हाँ तो उमा का है, अरे आ जाइए शाम को लो। तो ठीक है प्रधान जी। हाँ। तब तक हम नाना जी के घर से वो करा। बढ़िया बिटिया जी, सही है। अच्छा जी, अच्छा नमस्ते बिटिया, नमस्ते। अरे भैया यू माजरा का है? अरे रामचंद का बिटिया है, शहर से पढ़ के आई है। देखो कितनी बड़ी हो गई, अब देखो पूरे गांव को पढ़ाई का सोच रही है। में जब इतना काम। अरे गप्पू भैया, बैठा बैठा भैया। बैठे भैया बैठे। और सुनाओ भूतल प्रसाद, कस चल रहा है? अरे जब तुम हमारे गांव के एमएलए हो तो सब बढ़िया ही चली है। नहीं भैया, हम तो सेवक है गांव वालन के भैया। भूतल प्रसाद जी, लड़की यहाँ कौन थी जो ना भाई यहाँ से गई है? शहर से आई है, मगर ये लड़की सुनीता आपन गांव की है। का कहत है? कहत है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल कर सारे गांव वालन का पढ़ना लिखना सिखाई है। का गांव वालन का पढ़ना लिखना सिखाई है? हाँ गप्पू भैया, हम सारे गांव वालन का यहाँ बुला रहे हैं आज शाम का। काहे के लिए? सुनीता बिटिया उन सबका समझावा चाहत है कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र कैसे सबको पढ़ना लिखना सिखाई है और पढ़े लिखे के फायदे का है। तो भूतल प्रसाद, सुनीता बिटिया के लेक्चरवा के बाद हम भी गांव वालन से दो शब्द कही का चाहिए। हाँ हाँ जरूर। और का, आपकी बात तो हर कोई मानी है। नारायणपुर के वासियों, मेरे अपने भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि इस बात को मान लीजिए कि आज का जमाना तकनीकी का जमाना है। सही तकनीक के इस्तेमाल के बिना कोई भी कार्य लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता, और तकनीकों को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत 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 जरूरी है। हम जानते हैं
कि आप सब लोग बचपन में स्कूल नहीं जा सके और अब छोटे छोटे बच्चों के साथ कक्षा में बैठकर क ख ग घ पढ़ने में आप शर्माएंगे, इसलिए हम आप सब के लिए स्कूल के बाद दोपहर में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा लगा रहे हैं। आप सब से अनुरोध है कि आप इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाइए। अब हमारा अपने इलाके के एमएलए गप्पू रावत जी से अनुरोध है कि वो आए और आप लोगों से कुछ कहें। भैया और बहना लोग, आप तो जानते हैं कि गप्पू रावत ना तो गलत बोलत है ना ही गलत बात की हाँ में हाँ मिलावत है, इसलिए हम कहते हैं यू प्रौढ़ शिक्षा फिक्षा की नाटकबाजी माँ सत्तारूढ़ पार्टी के गहरे षड्यंत्र की बुआ रही है। अरे हम कहते हैं पहले हमारे गांव में पिए के पानी का इंतजाम तो करो। गलत बोला है हम बोलो? बिल्कुल सही बोला था। अरे सिंचाई के पानी का इंतजाम तो करो। अरे एक दो साल में सूखा पड़ता है, सब कुछ सुखाए जाते हैं और जो कोई साल फसल हो ही गई तो ससुरी बाढ़ आके सब कुछ बहाय ले जाता है। अरे हम पूछत हैं का पढ़े लिखे से बाढ़ और सूखा रुक जाए और पिए का पानी मिलने लगी? अरे बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ तो भैया यू साक्षरता फाक्षरता अभियान जोन है ना, यू सब हम गांव वालन का ध्यान अपनी बुनियादी मुश्किलों और तकलीफों से हटाए खातिर सत्तारूढ़ पार्टी की चाल है। ई चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। अरे जाओ जाओ भाई लोगों, अपना अपना काम धंधे से लगो, यहाँ रुकने का कोनो लाभ नहीं। अरे चलो पंडित का करते हो। भाइयों चलो, भाइयों बहनों रुको, मेरी बात तो सुनो। चलो वापस चलते हैं, हमें यहाँ इस गांव में सफलता नहीं मिलेगी। सुनीता दीदी, मुझे तो आते ही लग रहा था कि यहाँ के लोग हमें सहयोग नहीं देंगे। जहाँ के नेता ही उन्हें साक्षरता के खिलाफ भड़का रहे हैं, वहाँ क्या हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, निराशा ही सही, अब हर जगह तो सफलता नहीं मिलती ना। चलो वापस चलते हैं। उस घर में चलते हैं, मेरा दिल कहता है कि हमें यहाँ जरूर मदद मिलेगी। चले लोग बैठो। शहर से आई हो? आई तो शहर से हूँ, पर हूँ आपके ही गांव की। अच्छा, अरे तो फिर हमरे पाँव लागे की बात काहे की हो? हम लोग बेटियन से पाँव नहीं छुहाए थे। इतने दिन से शहर में हूँ ना, आदत पड़ गई है। चलो कौनो बात नहीं, हमरे पास बैठो और रामायण सुनो। भगवान देव जी
सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपके साथ हम भी गाएंगे। लाइए एक रामायण हमें दीजिए। अरे बिटिया, हम ये सब कुछ पढ़ के थोड़े ही गाए रही, हमका तो जो हमारी अम्मा रटाए गई रही बस वही गाते हैं। तो ठीक है, हमको भी जो याद है वही गाते हैं। तो ठीक है बिटिया, तुम गाओ और हम ढोलक बजाएंगे तुम्हारे साथ। भगवान देव जी, सबसे पहले मैं गणेश जी, विष्णु भगवान और गुरु जी की स्तुति से शुरू करूं? हाँ हाँ बिटिया गाओ। जो सुमिरत सिद्धि हो Chuck!
आज तो हमरा मन खुश कर दी सो बिटिया रानी तुम कितनी सुंदर सुंदर बात तुलसीदास लिख गयो आए मन करत है पूरी रामायण पढ़ियो गाय पर क्या करें पढ़े तो आते ही नहीं तो उसमें कौन सी मुश्किल बात है भगवान देव जी अब सीख लीजिए ना पढ़ना अरे हाँ अब तक ती लेके स्कूल में जाई है बच्चन के साथ ही बूढ़ी दादी ऐसे अमरूद सीखी है का अरे काहे इस बुढ़ापा में हमरा जुलूस निकलवाती हो बिटिया रानी नहीं नहीं भगवान देव जी जुलूस निकाले बिना भी आप पढ़ना लिखना सीख सकती हैं वो कैसे वो ऐसे कि हम यहाँ गांव में एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं हम जानते हैं भगवान देव जी कि यहाँ गांव में आप जैसी कितनी ही औरतें हैं कितने ही आदमी हैं जो बचपन में स्कूल नहीं जा सके और निरक्षर रह गए हैं हाँ हाँ बिटिया ऐसे तो बहुत हुई है सही बात है पढ़े लिखे का आप का कहीं सबका हम तो बिटिया रानी यही करके अपन दामाद और बिटवा का ना ही रोका दोनों शहर गए हैं पढ़ी लिखी के बाबू बने खातिर आप यहाँ गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने में हमारी मदद करेंगी हाँ काहे नहीं करेंगे पर क्या करें काहे बोलो आपको बस इतना करना है कि गांव के सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए जहाँ हम उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के बारे में समझा सकें अरे इतनी सी बात अरे कल ही लियो हम चौपाल पे कीर्तन रखवे और सबको बुलाए लेवे आप बहुत अच्छी हैं भगवान देव जी बहुत प्यारी हैं मगर वो गप्पू रावत जो गांव के लोगों को भड़का गया है हम उसका क्या करें अरे तुम फिक्र ना करो बिटिया हम गांव वालों को समझाए लेवे थैंक यू भगवान देव जी थैंक यू वो का हो थे अंग्रेजी में धन्यवाद अरे वाह काम तो हिंदी में करा दो और धन्यवाद अंग्रेजी में दे दो हमार बात सुनो सुन रहे हो देखो ई गप्पू रावत एमएलए तुम्हें भड़का रहा है ई बहुत ही होशियार मनई है ई जानत है कि अगर तुम सब लोग पढ़ लिख गए तो ई ससुरे को कौनो वोट ना दई है और ऊ पंडित गौरी शंकर वा और ओके पुरखे तुम्हार और तुम्हार पुरखन को पुस्त और पुस्त से अंधविश्वास का जाल में फसाए फसाए के लूटत चले आए हैं वो काहे चाहे कि तुम लोग पढ़ लिख जाओ इसलिए उन दोनों बदमाशन का कौनो बात सुनने का जरूरत नहीं यू है सुनीता इस शहर में रहे थे पर है अपने रामहरण भैया की नातिन यू दिल से अपना गांव का भला चाहत है इसलिए हम सबका चाहिए है कि हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने में सुनीता का मदद करें कमला तनी ही आओ बहुरानी सुनीता ये है कमला हमार गांव की इकलौती पढ़ी लिखी बहुरानी नमस्ते सुनीता जी नमस्कार क्या मैं तुम्हें कमला भाभी कह सकती हूँ फिर मैं आपको सुनीता दीदी कैसे कहूँगी अरे का फर्क पड़ी है तू ई का सुनीता दीदी कहे ई तो का कमला भाभी कहे का फर्क पड़ी है ये तो ननद भौजाई का रिश्ता हुआ ना कमला भाभी आपसे मिलकर मेरे मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया सच मैं यही सोच रही थी कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को चलाने के लिए वहाँ पढ़ाने के लिए कोई यही गांव का ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो अरे सुनीता बिटिया यही सोच के तो हम तुम्हें मिलवाया है कमला बहू से मगर मैंने इससे पहले कभी भी पढ़ाने लिखाने का काम नहीं किया उसकी तुम चिंता मत करो वो सब हम तुम्हें सिखा देंगे तुम तो कोई मुनासिब सी जगह ढूंढो जहाँ प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा लगाई जा सके प्रकाशी प्रकाशी सर इधर आएंगे
सुनीता दीदी, ये है प्रकाश, यहाँ पर बच्चों का स्कूल चलाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रकाश जी, क्या हम आपकी कक्षा का समय खत्म होने के बाद प्रौढ़ शिक्षा की क्लासेस लगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मेरी कक्षा के साथ में एक कमरा खाली है, मैं इसको खुलवा सकता हूँ आपके लिए। लियो सुनीता बिटिया, तो हर काम तो यहाँ खड़े खड़े ही होगा। वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। चलो भाई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैडम, नारायणपुर यहीं से मुड़ना है? हाँ हाँ, यही मोड़ना है।